मेरे भाई को इग्नोर कर रही हो? हाँ, पता है वो कितना अच्छा लड़का है। तुम्हारी जिससे शादी होने वाली है ना, बिल्कुल गंदा है, देखना ले जाके मारेगा तुम्हें। बुद्धि बस कर दीजिए ना, अब कभी मेरी बात नहीं सुनती है ना। मैंने कहा था ऐसी बातें मत कीजिए, फिर क्यों बोल रही हैं आप ये सब? मैं ना अपने आप को कमरे में बंद कर लूंगी और बाहर नहीं निकलूंगी। देखो जनक, मैं सिर्फ तुम्हारी शादी का खर्चा उठा सकता हूँ, शॉपिंग करवा सकता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शादी में ये कपड़े पहनो। हाँ, मुझे भी दिखाओ क्या कपड़े इसमें। ये मैं जनक के लिए लाया हूँ। हाँ? ये दिखा देगी आपको। मैं चेंज कर लेता हूँ, खाना आ जाए तो बताना, साथ खाएंगे। देखा मेरा भाई कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। तुम मुझसे बदतमीजी करती हो, कितना गिफ्ट लाया है। बुद्धू अनिल तुमसे प्यार करता है। अब सब फाइनल हो चुका है, बस शादी के दिन का इंतजार है। पेमेंट टाइम पे मिल जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका और मेरा संबंध सिर्फ पैसों को लेकर ही? हम किसी का एहसान नहीं रखते, और किसी से फ्री में काम लेना हमारी आदत नहीं है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। तेजस, शादी होते ही आपको वहां से निकलना होगा। शादी के बीच में ही एक फोन आएगा और खबर मिलेगी कि दूधपत्री में रह रहे अविनाश के पिताजी को हार्ट अटैक आया है, और वो जल्द से जल्द अगली फ्लाइट पकड़ के कश्मीर वापस आ जाए। टिकट का इंतजाम मैंने कर दिया है, गाड़ी का भी इंतजाम हो गया है, लेकिन एयरपोर्ट पे तो हमें चेहरा दिखाना पड़ेगा अगर वहां किसी ने मुझे पहचान। हम क्या तुम्हें इतना कच्चा खिलाड़ी लगते हैं? लेकिन तेजस, आपने तो कहा था आप रोड से ट्रैवल करेंगे। प्लान अभी भी वैसा ही है, हम बाय रोड ही शहर से बाहर जाएंगे, और एक बार अगर इस शहर से बाहर चले गए तो दूसरे शहर में जाके वो क्या ही कर लेगी। जी बुद्धि, ये कर लूं फिर आती हूँ। बिल बज रहा है। अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो खून निकल रहा है, जनक के हाथ से खून निकल रहा है, चाकू से कट हो गया। हाँ देखना, खून रुक ही नहीं रहा है। दिखाओ मुझे। हाँ दिखाओ। कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ, दिखाओ मुझे। मैं भी बोल रही हूँ ना कि कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। सब कुछ तुम अकेले नहीं संभाल सकती, दिखाओ मुझे। मैंने कहा मैं खुद अकेले संभाल सकती हूँ। दिखाओ मुझे। अली तू जनक को खाना खिला लेगा आज? चलो मैं खुद खाऊंगी। जिद मत करो जनक, खाओ। मैंने कहा ना खुद खाऊंगी। नहीं आज नहीं, मैं खिलाऊंगा, ये लो। ये मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। कौन सा मौका? ये मौका तुम्हें अपने हाथ से खिलाने का। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।